हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी इंग्लिश चाट। ड्राई फ्रूट्स, वेजेस, फ्रूट्स सभी फ्लेवर इसमें होते हैं। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सी चाट पसंद है। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक पैन में लेंगे 2-3 टेबल स्पून ऑफ देसी घी। देन ऐड करेंगे बादाम, काजू, किशमिश, फूल मखाना। सभी ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। आप इसमें अपनी चॉइस के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को 4-5 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के बाद सेम पैन में लेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ देसी घी। एंड देन उसमें ऐड करेंगे ब्रोकली। ब्रोकली मैंने यहाँ पर ब्लांच करके यूज़ की है। देन इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स, बेबी कॉर्न्स, पनीर। सभी इंग्रेडिएंट्स को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए हमें सोटे करना है। ब्रोकली को हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना, जस्ट बॉयल्ड वाटर में 10 मिनट के लिए रखना है। और अगर आप चाहें तो सेम वे में स्वीट कॉर्न्स और बेबी कॉर्न्स को भी ब्लांच कर सकते हैं। वेजेस को 4-5 मिनट सोटे करने के बाद एक मिक्सिंग बॉल में निकाल लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और कुछ मसाले। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ सीजनिंग, 1/2 टेबल स्पून ऑफ चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1/4 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ चाट मसाला, 1/4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1/4 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट, फ्यू एलापिनोज एंड ऑलिव्स, 4 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इंग्लिश चाट बनकर रेडी है। बट मैं इसे सर्व करूँगी 2 वेज में, विद फ्रूट और विदाउट फ्रूट। जो विदाउट फ्रूट है उसे हम ऐसे ही एक बॉल में निकाल लेंगे। देन जो बची हुई है उसमें ऐड करेंगे हम कुछ फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर ऐड किए मैंगोस, बब्बू गोशा, पायरस जिसे कहते हैं, अनार, ग्रेप्स, और सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दूसरे बॉल में मैंने सर्व किया इंग्लिश चाट को विद फ्रूट। सर्व करने के बाद इसे गार्निश कर देंगे फ्रूट से। इंग्लिश चाट इन 2 वेज डन। आप सब भी इस रेसिपी को ट्राई करो और एंजॉय करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। Thank you for watching.